स्वागत है आपका कॉमर्स प्लेनेट के इस चैनल में और आज हम वन लाइनर कॉरपोरेट अकाउंटिंग के डिस्कस कर रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट इन बैलेंस शीट एज द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड यानी फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट आएगी और पी एंडल अकाउंट आएगा अगला है सेक्शन वन ऑफ कंपनीज एक्ट कंप्राइज करता है प्रिस्क्राइब करता है किसको फॉर्म एंड द कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट पी एंडल ऑफ दी कंपनी तो सेक्शन वन ट्वेंटी नाइन बात किसकी करता है जो भी आपके पी एंडल और बैलेंस शीट के फॉर्म होते हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो यहाँ सेक्शन वन ट्वेंटी नाइन डील करता है सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जा सकता है एन सी क्यू के फॉर्म में कि कौन सा आपके बैलेंस शीट और पी एंडल के कंटेंट की बात करता है तो सेक्शन वन ट्वेंटी नाइन नेक्स्ट है बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी शैल बी प्रपेयरड तो बैलेंस शीट जो है वो प्रपेयर की जाएगी एज़ पर शेड्यूल थ्री कंपनीज टू थाउजेंड थ्री और जो हमारा पी एंड एल होगा वो भी शेड्यूल यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं शेड्यूल थ्री सेट आउट मिनिमम रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर की ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट आपके बैलेंस शीट के फेस पे क्या लिखा होना चाहिए एंड उसके साथ साथ पी एंड एल का जो है पार्ट उसके रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट में क्या लिखा होना चाहिए शेड्यूल थ्री डील करता है आगे है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ अ कंपनी शैल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट टू तो शेड्यूल का दिखें यहाँ पार्ट टू बात करता है पी एंड एल की और पार्ट थ्री बात करता है हमारी बैलेंस शीट की इसके बाद आगे बात देखते हैं सेक्शन वन टू तो नाइन वन में क्या बोला है यानी सब सेक्शन वन क्या बोलता है एक सौ उनतीसवें सेक्शन का ये बोलता है सेट स्टेट दैट अ फाइनेंशियल हैव शेल अ ट्रू और फेयर व्यू ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी और कंपनीज कंप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन टू क्या एक सौ तेईस इसके अंदर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर रही है या नहीं क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं शैल बी फॉर प्रोवाइड द डिफरेंट क्लास और क्लास ऑफ कंपनी शेड्यूल थ्री तो ये शेड्यूल थ्री बात करता है और इसकी जो बारे में बताया गया है वो सेक्शन वन थर्टी थ्री बात करता है अगला पॉइंट है हमारा शेयर रिप्रेजेंट करता है शेयर क्या होता है शेयर एक रिप्रेजेंट करता है सिंगल यूनिट को जो कि विच इज टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड यानी टोटल शेयर कैपिटल जब डिवाइड कर दी जाती है तो उसका एक पार्ट जो होता है सिंगल पार्ट वो आपका शेयर कहलाता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन एंटिटी एक एंटीटी इज एन एंटिटी शेयर इज़ वन विच इज़ नॉट अ प्रेफरेंस शेयर अगर किसी एंटिटी के पास प्रेफरेंस शेयर नहीं है इक्विटी शेयर आर ऑल्सो नन एज द रिस्क बिययरिंग तो इक्विटी शेयर को हम क्या बोलते हैं रिस्क बियरिंग शेयर क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा लेकिन प्रेफरेंस शेयर को तो प्रेफरेंस राइट होता है अगर क्यूमिलिटिव प्रेफरेंस शेयर रहा है तो अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ तो भी आपको जो है डिविडेंड मिलता रहेगा तो यहाँ ऐसा जो भी जो प्रेफरेंस है वो इक्विटी के केस में नहीं है इस वजह से हम इसे रिस्क बियरिंग शेयर बोलते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है होल्ड करता है प्रेफरेंशियल राइट right, दो तरह के प्रेफरेंशियल राइट right होते हैं एक तो होता है डिविडेंड पे उसको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है यानी डिविडेंड रेट का फिक्सेशन में उसके क्या है प्रेफरेंस है और दूसरा क्या होता है जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो ऐसे में रिटर्न ऑन कैपिटल तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल रिटर्न कर दी जाती है यानी इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस है तो ये दो चीज़ों में प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस है एक तो आपका डिविडेंड की फिक्स रेट और दूसरा हो जाता है रिटर्न मिलेगी कैपिटल अप में बिफोर द इक्विटी शेयर पेमेंट अगला पॉइंट है शेयर में बी इशू फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश शेयर को आप इशू कर सकते हो कैश के लिए भी और अदर देन कैश भी वेन ए कंपनी अलॉट फुल्ली पेड अप शेयर टू प्रमोटर और टू क्रेडिटर और एनी अदर पार्टीज फॉर दिस सर्विस इज रेंडर बाई दैन इज इज नॉन ऑल्सो नॉन एज अ शेयर ऑफ फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश तो अगर कंपनी किसी अपने प्रमोटर क्रेडिटर और अदर पार्टी जिसने भी कंपनी को सर्विस दी है उसके लिए शेयर इशू कर रही है तो इसे हम मानेंगे अदर देन कैश आपने शेयर इशू किया है शेयर ऑफ अ कंपनी में भी ईशू आप शेयर इशू कर सकते हो किस पे वैन शेयर आर इशू ऑन अ प्राइस इक्वलेंट फेस वैल्यू अगर वो फेस वैल्यू पे इक्वलेंट होता है तो एट पार बोलते हैं प्रीमियम पे होता है यानी आप फेस वैल्यू से ज़्यादा हायर प्राइस चार्ज कर रही हैं तो प्रीमियम हो गया और डिस्काउंट का अभी केवल इसोप का एक ही केस बचा है जिसमें आप डिस्काउंट के केस जो है, है डिस्काउंट के शेयर इशू कर सकते हैं अदरवाइज़ न्यू कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अब आप डिस्काउंट के शेयर इशू नहीं कर सकते वैन शेयर आर इशू लोअर प्राइस जब आप फेस वैल्यू से भी कम वैल्यू पे शेयर इशू कर देते हैं तो इसे डिस्काउंट प्राइस पे शेयर इशू करना बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम मनी जब आपने शेयर इशू किया फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे तो आपके पास आया सिक्योरिटी प्रीमियम उस प्रीमियम को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं कहाँ यूज़ नहीं कर सकते तो जो रेस्ट्रिक्शन लगाता है वो है सेक्शन 52 और सीधा सीधा पूछ लिया जा सकता है सेक्शन 52 टू सबसेक्शन किसकी बात करता है बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम यूजेस तो कहाँ आप उसको यूज नहीं कर सकते अगला पॉइंट है वेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर एक्सीड यहाँ जनरली एक्सीड की बात कर रहा है अगर आपने अप्लाई कर लिया ज़्यादा शेयर के लिए और ओवर सब्सक्राइब हो गया ऐसे केस में जो एप्लीकेशन आई है उसे रिजेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन पे आप अलॉटमेंट बेसिस पे क्या कर सकते हैं रिमेनिंग एप्लीकेशन को पुरानाटा बेसिस तो आपके पास तो ऑप्शन है कुछ का रिजेक्शन कीजिए कुछ को फुल आप शेयर इशू कर सकते हैं या फिर दोनों को प्राडाटा बेसिस पे शेयर इशू किए जा सकते हैं उसके अलावा फ्यूचर ऑफ अ शेयर इज़ कंसिडर्ड एज द कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप बाय वे ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट अलॉटमेंट और एनी कॉल तो आप अगर कोई भी शेयर होल्डर नॉन पेमेंट कर रहा है आपने कॉल ड्यू कर दी और शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहा ऐसे में कंपनी उस शेयर को फोरफीट कर लेती है और अगला हमारा टॉपिक है द फोरफीट ऑफ शेयर में बी री इशू तो आपने जो शेयर जब्त किया है उसे आप एट पार एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो आपने शेयर फोरफीट किए उस फोरफिटेड अकाउंट को किस तरह से ट्रीटमेंट करना तो फोरफिटेड शेयर इफ़ इन केस री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट प्रीमियम अगर आपने शेयर को प्रीमियम पे रीइशू कर दिया ठीक है फोरफिटेड शेयर इशूड एट प्रीमियम देन एंटायर अमाउंट स्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट उसको आप ट्रीट करेंगे नेट गेन एंड ट्रांसफर कर देंगे उसके कैपिटल रिजर्व अकाउंट में अगर फॉरफिटेड शेयर इशू किया डिस्काउंट पे तो अब आपने जो फॉरफिटेड अमाउंट पे बैलेंस पढ़ा है वो यूज़ हो जाएगा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैन बी नो no केस और वो डिस्काउंट ज़्यादा नहीं हो सकता आपने जो अमाउंट क्रेडिट कर रखा है शेयर फोरफिटेड अकाउंट में यानी मैक्सिमम आप उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितना आपके पास पैसा पड़ा है शेयर फोरफिटेड अकाउंट में पर शेयर बेसिस पे मान लीजिए आपका शेयर दस रुपये का था आपने पाँच रुपये उस पर अभी तक अलॉट की सॉरी एप्लीकेशन मनी आ चुकी थी और बाद में अलॉटमेंट वगैरह पेमेंट नहीं किया अपने शेयर फॉरफिट कर लिया अब आप उस शेयर को री इशू कर रहे हैं तो दस रुपये का शेयर था आपके पास ऑलरेडी पाँच रुपये आ सक आ चुके हैं आप उसको जब रीइश्यू करेंगे तो मैक्सिमम आप पाँच रुपये का ही डिस्काउंट दे सकते हैं क्योंकि पाँच रुपये ऑलरेडी आपके पास फोरपिटेड के शेयर अकाउंट में बैलेंस पड़ा है यानी मिनिमम आपको पाँच सॉरी मैक्सिमम आप पाँच ही डिस्काउंट दे सकते हो और आपको वहाँ पाँच की प्राइस चार्ज करनी है अगला है सेक्शन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन एंड सेवेंटी कंपनीज एक्ट के कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर एंड अदर सफ़ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ इट्स फ्री रिजर्व नॉन एस बायबैक यानी कि सेक्शन सिक्सटी एट सेवेंटी नाइन सॉरी सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन और सेवेंटी ये तीन सेक्शन रिलेटेड है हमारे बाईबैक से एंड ए कंपनी अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन फर्स्ट ऑफर टू सब्सिक्वेंट इश्यू ऑफ अ शेयर अगर एक कंपनी ने आई पी ओ लाती है तो फर्स्ट ऑफर होता है और सब्सिक्वेंट जो भी ऑफर करेगी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को करेगी तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर के होल्डर को अगर आप किसी तरह का शेयर इशू कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं राइट इशू ठीक है नेक्स्ट होता है अगला पॉइंट कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर कंपनी इशू कर सकती है फुल्ली पेड अप बोनस शेयर अपने मेम्बर्स को इन एनी मैनर आउट ऑफ फाइव तो कुछ मैनर्स हमें गिवेन है पहला मैनर है प्री रिजर्व में से दे दो सिक्योरिटी प्रीमियम से दे दो कैपिटल रिडक्शन यूज़ कर सकते हो आप बोनस शेयर के लिए ठीक है ये आप तीन ऑप्शन यूज़ कर सकते हो फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व रिडमशन रिजर्व अगला है स्वेट इक्विटी अंस स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर रेफर किए जाते हैं जो कि कंपनी अपने इम्प्लॉय और डायरेक्टर को देती है फेवरेबल टर्म में मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे उसे देती है और डिस्काउंट का उसे बेनिफिट मिल जाता है वही उनका कंसिडरेशन बन जाता है तो ये होता है स्वेट इक्विटी शेयर और आज के टाइम में केवल डिस्काउंट पे इशू किया जाने वाला एकमात्र शेयर है स्वेट इक्विटी शेयर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडर राइटिंग इज नॉन एज अ गारंटी गिवन बाय द अंडर राइडर टू द कंपनी दैट द शेयर और डिबेंचर ऑफर टू दी पब्लिक विल बी सब्सक्राइब फॉर इन फुल एंड अंडर राइटिंग अग्रीमेंट में बी अ कंप्लीट अंडर राइटिंग पार्शल अंडर राइटिंग फॉर्म अंडर राइटिंग यानी क्या बोला कि एक अंडर राइटर ये गारंटी देता है कंपनी को कि जो भी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं वो कम्प्लीटली पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किए जाएंगे अगर नहीं किए जाएंगे तो वो जो है अंडर राइटर खुद उस शेयर को परचेज कर लेगा तो इसके लिए अंडर राइटर किस तरह के अग्रीमेंट कर सकता है जनरली तीन तरह के आपको अंडर राइटिंग अग्रीमेंट देखने को मिलती हैं कंप्लीट अग्रीमेंट हो सकता है हंड्रेड परसेंट हो सकता है वो पार्शियल अग्रीमेंट कर ले या फिर वो फॉर्म अंडर राइटिंग भी कर सकता है अगला पॉइंट है हमारा डिबेंचर आर पार्ट ऑफ लोन कैपिटल एंड द कंपनी इज़ लाइबल टू पे इंटरेस्ट देअर ऑन वेदर इन आर प्रॉफिट और नॉट अगर कंपनी ने किसी तरह के डिबेंचर इशू कर रखे हैं तो ये कंपनी के लिए लोन है लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो सक है और चाहे कंपनी को इस पैसा लेने से किसी तरह का प्रॉफिट हो या लॉस हो लेकिन कंपनी को इन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इसकी रेट पहले से ही डिफाइन होती है जब डिबेंचर इशू किया हुआ होता है अगला पॉइंट है हमारा डिबेंचर में भी डिफरेंट काइंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ देर इशू तो जब आपने डिबेंचर इशू किया उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ उसका डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं जिसके अगेंस्ट में आपके पास सिक्योरिटी है एक होते है अनसिक्योर्ड बियर यानी होल्डर जो होगा वो उसका मालिक हो जाएगा रजिस्टर्ड होता है एक होता है कन्वर्टेबल जो डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं नॉन कन्वर्टेबल जिसमें इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि आप उसे शेयर में कन्वर्ट कर सकें रिडिमेबल यानी ट्वेंटी ईयर के बाद मैक्सिमम है ये ट्वेंटी ईयर रिडीमेबल यानी आप इिडिमेबल शेयर इशू नहीं कर सकते मैक्सिमम आपको ट्वेंटी ईयर्स में रिडीम करना होगा इर रिडिमेबल इशू अब नहीं किया जा सकता और एक होता है फर्स्ट मॉर्गेज सेकेंड मॉर्गेज तो ये आपके डिबेंचर के टाइप से नेक्स्ट पॉइंट है डिबेंचर में भी इशू एट पार आप डिबेंचर को एट पार प्रीमियम डिस्काउंट किसी भी पे भी इशू कर सकते हैं डिबेंचर कैन भी इशू आप डिबेंचर को कैश के लिए इशू कर सकते हैं अदर देन कैश यूज़ कर सकते हैं और एज ए कॉलेट्रल भी यूज़ कर सकते हैं अगला है हमारा कॉलेट्रल का क्या मतलब होता है कॉलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है एडिशनल सिक्योरिटी जो कि आपने लोन के अगेंस्ट में रखी है वेन अ कंपनी इज़ ऑबेन सिक्योर लोन फ्रॉम अ बैंक इंश्योरेंस कंपनी या फिर बैंक वगैरह मोर्गेज समेत एसेट्स और सिक्योरिटी अगेंस्ट आ लोन तो आपके लोन के साथ साथ एक संपत्ति भी वहाँ आपकी रखी हुई है कि अगर आपने लोन का टाइमली पेमेंट नहीं किया तो वो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी आपकी इस संपत्ति को बेच अपना लोन रिकवर कर सकती हैं इस तरह का उनके पास राइट है इस राइट को ही क्वालिटरल सिक्योरिटी बोलते हैं यानी आपकी जो एसेट्स बाहर की है वो एक सिक्योरिटी हो गई वे आर अ कंपनी इशू कंपनी जब इशूचर इशू करेगी अंडरटेक टू पे इंटरेस्ट दे आर एट तो इंटरेस्ट आपको फिक्स रेट के बेसिस पे देना होगा परसेंटेज वहां पहले से ही गिवन होगी एज द डिवेंचर एक्नोल्ट और उसे हम एक डैप्ट मानेंगे यानी कंपनी के लिए वो लोन है द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डैपीगेटरी ऑन अ पार्ट ऑफ कंपनी तो वो ऑब्लीगेटरी होगा कंपनी के लिए इशू दैम इेस्पेक्टिव ऑफ एफेक्ट वेदर ए कंपनी आर न प्रॉफिट आर नॉट द इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और ये जो इंटरेस्ट है जो आप पे कर रहे हो डिबेंचर पे ये क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है यानी कंपनी के प्रॉफिट पे चार्ज है तो ये भी आपका एम से क्यों बन सकता है इंटरेस्ट हो गया डेप्रिशिएशन हो गया तो ये एक तरह का क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है अगला पॉइंट है हमारा डिस्काउंट और लॉस ऑन डिबेंचर इन द नेचर ऑफ कैपिटल लॉस एंड देर फोर द सेम मस्ट बी रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ टाइम ऑफ डिबेंचर अगर आपको किसी तरह का कैपिटल नेचर का लॉस है तो आप उसे रिटर्न ऑफ करेंगे और वो भी कब तक ओवर द लाइफ टाइम ऑफ डिवेंचर ठीक है जितनी डिबेंचर की लाइफ है उसको आप डिवाइड कर देंगे उस लॉस लॉस की अमाउंट को डिवाइड कर दिया जाएंगे लाइफ से तो जो वैल्यू आएगी वो हर साल आप क्या करेंगे रिटर्न ऑफ कर लेंगे डिन्चर आर जब डिवेंचर रिडीम किए जाते हैं आउट ऑफ कैपिटल नो डिवेंचर रिडम्शन रिजर्व अगर आप कैपिटल से ही रिडीम कर रहे हैं तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डिवेंचर रिडम्पन रिजर्व क्रिएट करने की प्रॉफिट्स में से ठीक है नेक्स्ट क्या हमारा सेक्शन है सेवेंटी वन सबसेक्शन फोर कंपनी टू थाउजेंड थर्टी वन बात करता है डिवेंचर शेयर रिडीमेबल आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी थ्रू ए सर्टेन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी डी आर आर बना के भी आप सेवेंटी वन सबसेक्शन फोर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं डिबेंचर का रिडम्पशन कर सकते हैं जो भी हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पॉइंट है ए कंपनी ऑथोराइज बाई आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन कैन बी ओन डिबेंचर इज ओपन मार्केट अगर उसका ए ओ ओस परमिट करता है तो वो खुद के डिबेंचर ओपन मार्केट से क्या कर सकती हैं बाय कर सकती हैं एंड द डिबेंचर सो परचेज कैन भी ईधर इन इमीडियट कैंसिलेशन और वो चाहे तो तुरंत उसको कैंसिल कर सकती है रिडम्शन कर सकती हैं और फॉर इन्वेस्टमेंट परपज़ के लिए भी यूज़ कर सकती हैं तो ऐसा तब होगा जब उसका ए ओ ए उसको परमिट करता होगा नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ द परचेज प्राइस फॉर डिबेंचर इंक्लूड अगर परचेज प्राइज़ में डिबेंचर के इंक्लूड है क्या इंटरेस्ट फॉर द एक्सपी एक्सपायर्ड पीरियड द कोटेशन इज़ सेड यहाँ क्या होगा अगर इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट का पार्ट इंक्लूड है किसमें प्राइस ऑफ डिबेंचर में तो इसे हम बोलते हैं कम इंटरेस्ट इफ़ अदर हैंड परचेज प्राइस में डिबेंचर एक्सक्लूड कर दिया गया है इंटरेस्ट को तो इंटरेस्ट अगर एक्सक्लूड है तो इसे हम बोलेंगे एक्स इंटरेस्ट इंक्लूड है तो इसे हम बोलेंगे कम इंटरेस्ट